हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद किरू। आज हम पढ़ेंगे थीम्स ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस। यहाँ पे मतलब ये देखा जाएगा कि जैसे कोई इन्वेस्टर होता है वो कैसे बिहेव करता है, उसकी जो मेंटलिटी है वो कैसे रिएक्ट करती है किसी भी सिचुएशन में। जैसे अगर स्टॉक के प्राइस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं तो वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे अपना बिहेवियर शो करता है। तो यहाँ पर बता रखा है कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर है ना वो इरेशनली मतलब बिहेव करता है। हमने पढ़ा है कि मतलब रेशनल होना चाहिए डिसीजन वगैरह, मतलब जो ऐसे डिसीजन हो जो हमें कुछ ना कुछ अचीव करके दें, जिससे हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हो जाएं। लेकिन कहता है कि जो बिहेवियरल फाइनेंस है वो हमें बताता है कि जो एक इन्वेस्टर है ना वो ज़्यादातर इरेशनल बिहेव करके चलता है। तो बिहेवियरल फाइनेंसिंग एक इंटीग्रेशन है कि इसके बीच में सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिक्स और फिसियोलॉजी। सोशियोलॉजिकल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड हो गया, ठीक है, कि एक ह्यूमन बींग के फॉर्म में वो कैसे बिहेव कर रहा है। इकोनॉमिक्स मतलब जैसे भाई प्रॉफिट लॉस की सोच कर क्या बिहेव कर रहा है। फिजियोलॉजी उसकी मेंटलिटी क्या है। तो कहता है कि जो कंसेप्ट है ना बिहेवियरल फाइनेंस की वो स्टार्ट होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि एक जो ग्रुप है, मतलब एक जैसे कोई कंपनी है उसमें जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है या कोई एक अकेला पर्सन है वो कैसे बिहेव करते हैं किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। नॉर्मली तो हमें यही बता रखा है कि जो एक मतलब इंडिविजुअल है, एक जो इन्वेस्टर है, वो इरेशनली बिहेव करता है। लेकिन मेन तो यही होता है कि उसे रेशनली बिहेव करना चाहिए। फिर बात आती है जो ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से आई हुई है, जो हमारी ये बिहेवियरल फाइनेंस है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। पहली बार ये हमारे किसके द्वारा दी गई थी, ये हमारी दी गई थी फिजियोलॉजिस्ट डैनियल कैथमैन थे उनके द्वारा, ठीक है। तो फिर बात आती है कि ये मतलब हम कैसे समझ सकते हैं। तो कहता है कि 4K थीम्स दिए गए हैं बिहेवियरल फाइनेंस के, ये हमारे, और इनको हम समझेंगे डिटेल्स में, ठीक है। कि मतलब ये हमें बताता है कि एक जो इन्वेस्टर है वो कैसे, क्यों मतलब इरेशनल बिहेव करता है, क्या क्या रीजंस है। तो पहला है हमारा होरिस्टिक ड्राइवन बाइसनेस, इसको हम कोग्निटिव ड्राइवन बाइसनेस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कोग्निटिव ड्राइवन बाइसनेस, ठीक है। कैसे, देखो, कोग्निटिव ड्राइवन बाइसनेस या कोग्निटिव ड्राइवन बाइसनेस। कोग्निटिव मतलब होता है जो मेंटल, जो मतलब एक इंसान की जो मेंटल मिस्टेक्स होती है ना, जो उन्हें बोलता है। तो कहता है कि इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है ना वो कोग्निटिव एरर वगैरह करता है। कोग्निटिव मतलब भाई जैसे खुद की मतलब थिंकिंग से बाइसनेस वगैरह के डिसीजन ले लेता है, ऐसे डिसीजन ले लेता है जो मतलब सही नहीं है। तो कहता है कि फिजियोलॉजिस्ट हैव डॉक्यूमेंटेड सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ बायस ऑन हाउ पीपल फ्रॉम व्यूज एंड दे टेक डिसीजन। मतलब कैसे किसी चीज़ को वो व्यूज़ करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। ये जो बायसनेस है ये इन्फ्लुएंस करती है हाउ डिसीजन मेकर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ओपिनियन। नॉर्मल सी बात है, अगर आपने किसी चीज़ के लिए आपके व्यूज़ अलग हैं तो उससे रिलेटेड जो डिसीजन ले रहे हो वो भी गड़बड़ होंगे, ठीक है। इसलिए तो बोला जाता है रैशनल व्यूज़ होने चाहिए, तभी तो रैशनल डिसीजन होंगे। अगर रैशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो भी रैशनल डिसीजन होंगे। लेकिन कहता है कि जो इन्वेस्टर है वो क्या कर देता है, वो लेता है हमारा मतलब इरेशनल बिहेवियर करता है, उसकी जो मेंटलिटी है वो एरर वगैरह शो करती है, ठीक है। फिर अब हम पढ़ते हैं कि मतलब ये क्या क्या होता है। तो देखो, इसको इसने अलग अलग पॉइंट्स एक्सप्लेन किया है। ये पॉइंट पढ़ लोगे तो आपको इनका मीनिंग अपने आप क्लियर हो जाएगा कि एक जो इन्वेस्टर होता है उसकी जो मेंटल शॉर्टकट्स हैं, वो रूल ऑफ थंब वगैरह को यूज़ करता है कैसे, मतलब क्या करता है कि वो डिटेल में किसी चीज़ को सर्च करने के बजाय ऐसे ही थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसी से ही अपने डिसीजन ले लेता है और इन्वेस्ट कर देता है और बाद में हो जाता है लॉस। जैसे भाई किसी फ्रेंड ने उसे सजेस्ट कर दिया कि भाई ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे, इसके प्राइस ज़रूर अच्छे होंगे, और उसने सर्च वगैरह भी नहीं की, रियल में ऐसा हो भी सकता है नहीं, और उसने इन्वेस्ट कर दिया, बाद में वो डूब गया, लॉस हो गया। तो मतलब उसे डिटेल में सर्च वगैरह करना चाहिए, रेशनल बिहेव नहीं करना चाहिए कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के बेस पे कर दे। क्योंकि वो बोलते हैं ना कंप्यूटर में GIGO, मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा गलत इनपुट डालोगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो अगर अच्छे से डिसीजन नहीं लोगे तो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी रॉन्ग होगी। तो पहला दे रखा है हमारा रिप्रेजेंटेटिवनेस। रिप्रेजेंटेटिवनेस क्या होती है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो डिसीजन होते हैं ना वो किस पर बेस होते हैं, बहुत कम डाटा के ऊपर बेस होते हैं। मतलब जो इन्वेस्टर होता है वो लिटल डाटा के बेस पे कंक्लूजन निकाले, एक टाइप से कहते हो ये स्टीरियोटाइप्स होता है। स्टीरियोटाइप मतलब रूल ऑफ थंब के ऊपर बेस होता है वो, ना डाटा को एनालाइज करने की बजाय, बल्कि जो उसके पास थोड़ा बहुत डाटा पहले से अवेलेबल होता है उसी के बेस पर डिसीजन वगैरह ले लेता है, ठीक है। और ना मतलब जो भी डाटा वगैरह अवेलेबल है उनको डिटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करता वो सही है या नहीं,
और है ना फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर प्राइसेस ऑफ द बेसिस ऑफ पास्ट रिटर्न, मतलब जैसे देखो पास्ट में अच्छे रिटर्न आए थे तो ये सोच लेता है कि अब तो फ्यूचर में भी इससे अच्छे रिटर्न आए, और वो ऐसे ही डिसीजन वगैरह ले लेता है, इन्वेस्ट कर देता है, और जो इनसफिशियंट डाटा होता है उसे कंक्लूजन निकाल लेता है। तो रिप्रेजेंटेटिवनेस में यही है कि एक तो ये रूल ऑफ थंब पे ऊपर बेस होता है, और लिटल डाटा के बेस पे ही अपने मतलब व्यूज वगैरह बना लेता है। जैसे एग्जांपल के लिए यू मे फ्रॉम एन ओपिनियन अबाउट ए स्टूडेंट टू परफॉर्म, देखो एक बच्चा है जिसने स्कूल में अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो आपने सोच लिया कि ये भाई कॉलेज लेवल पे भी अच्छा होगा, जरूरी थोड़ी ना है, लगा लो कॉलेज में आकर उसने पढ़ना छोड़ दिया हो। तो एक बार अपने व्यूज़ बढ़ाने के बाद वो जो मतलब इन्वेस्टर ना वो उसी व्यूज़ पे बने रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अलग अलग सिचुएशन में हमारे व्यूज़ को बदलते रहना चाहिए, उन्हें सोचते रहना चाहिए। ये जो हमारा होरिस्टिक ड्राइवन बायसनेस है ना, ये किसके ऊपर बेस है? बस रूल ऑफ थंब पे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें चेंज करते रहना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। फिर दूसरा आता है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब देखो कॉन्फिडेंस जरूरी होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मतलब बस मैं ही हूँ, मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ बिल्कुल सही है, मैं सही से एस्टिमेट कर रहा हूँ, हाँ भाई मैंने एस्टिमेट किया कि मार्केट में प्राइस बढ़ेंगे तो हाँ भाई बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या पता मतलब जो हम सोच रहे हैं वो गलत हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस अलग चीज़ होती है और ओवर कॉन्फिडेंस अलग चीज़ होती है। जैसे हमने कहते हैं माई ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, देखिए ये फेल होगा, हम ऐसे बोल देते हैं किसी को भी। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि उसमें अहम आ गया, अहम मतलब बस मैं हूँ वो वाला। तो ओवर एस्टिमेशन ऑफ सेल्फ एबिलिटीज प्रेडिकेटिंग मार्केट इवेंट कहता है कि मतलब ये बेकार होता है, वो ना लक फैक्टर के ऊपर डिपेंड होकर चलता है कि हाँ भाई मेरा लक अच्छा है, सब कुछ सही होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या कह रखा है, कॉन्फिडेंस को डिस्क्राइब किया जाता है बिलीफ, खुद पर विश्वास के रूप में, जबकि ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना वो होता है कि हाँ सेल्फ के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। फिजियोलॉजिस्ट है वो फाउंड करते हैं कि जो पीपल है ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और ओवर एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हाँ भाई जो मैंने सोचा वो सही है, और पैसे लगा देते हैं कि हाँ भाई अच्छे रिजल्ट मिले, वो लास्ट में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होता है, एक तो उसकी स्किल्स वगैरह मिस्टेक करता है, क्योंकि उसमें स्किल्स हैं वो अच्छा कमा सकता है, लेकिन लक के ऊपर रह के लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ट्रेडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्या दे रखा है, कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस में क्या आएगा हमारा, जैसे मतलब आपके पास पहले से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, आपने उसमें से अपनी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन ढूंढी, और जो बाकी इन्फॉर्मेशन थी ना उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो उसे बोलेंगे कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस इज द पीपल डिजायर टू फाइंड इन्फॉर्मेशन दैट एग्री विद देयर एग्जिस्टिंग, मतलब आप जो सोचते थे उससे रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन मिली वो तो आपने ले ली, और उसके अलावा आपने ना कोई सर्च की ना कोई आपने और इन्फॉर्मेशन पर ध्यान दिया। एनी इन्फॉर्मेशन दैट कन्फ्लिक्ट विद द नल इज इग्नोर, मतलब आपके व्यू से जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी आपने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो कहता है कि वाइलिस्ट इन्फो दैट रीइन्फोर्स द नल इज ओवरवेटेड इन इन्वेस्टिंग, द कन्फर्मेशन बाय सजेस्ट दैट एन इन्वेस्टर वुड बी मोर लाइकली टू लुक फॉर द इन्फो। देखो आप कई बार ये नहीं होता है कि हमें किसी चीज़ के बारे में पता हो और उसके बारे में कोई बता रहा हो तो हम मतलब सुनते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो फैमिलियर सी चीज़ है। तो ऐसे ही ये करता है कन्फर्मेशन बायसनेस में कि जो उसके व्यूज से उसके डिजायर से मिलते हैं वो उस इन्फॉर्मेशन के ले लेता है और इन्फॉर्मेशन को कर देता है इग्नोर। एविलिटी बायसनेस इसमें भी होते हैं, पीपल टेंड टू बेस देयर डिसीजन मोर और रिसेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब जो अभी करंट में जो इन्फॉर्मेशन आई है ना वो उसके बेस पे मतलब डिसीजन लेना पसंद करते हैं, ना कि पास्ट इवेंट की डिटेल स्टडी करने पर। आज की जो इन्फॉर्मेशन है जरूरी है वो इतनी रहेगी, पास्ट हमें बताता है कि क्या हुआ था, उसके बेस पे हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करता है इन्वेस्टर, जो प्रेजेंट में रिसेंट इन्फॉर्मेशन उसी को बेस लेकर चलता है, ये भी उसके लिए नुकसान की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। फिर आता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये क्या होता है देखो, कॉग्निटिव डिसोनेंस ये होती है मेंटल कन्फ्लिक्ट दैट पीपल एक्सपीरियंस व्हेन दे आर प्रेजेंटेड विद एविडेंस दैट द बिलीफ और अजम्पशंस आर रॉन्ग। देखो आप किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो और कोई आपसे आगे गए तेरा दो धोखेबाज है उससे दूर रह कर, तो आपको एकदम से धोखा लगेगा ना। तो ऐसा क्यों होता है कि आपके जब कोई बिलीफ को आपके जो अजम्पशंस है उनको कोई रॉन्ग मतलब रॉन्ग प्रूव कर दे, तो इससे आपके जो मतलब एक्शंस होते हैं उसे बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है। मतलब जिस चीज़ पर आप विश्वास करते आ रहे थे अगर कोई उन्हीं कोई गलत साबित कर दे तो उससे क्या होगा, आपका मन नहीं मानेगा भाई ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सिचुएशन हमारी कॉग्निटिव डिसोनेंस की कहलाती है। फिर बात आती है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या होता है, रूढ़िवादिता, क्या बोलते हैं हम इसको हिंदी में, रूढ़ी
वादिता, ठीक है, या इसको एबिलिटी ऑफ बायसनेस भी बोलते हैं। कैसे? कंजर्वेटिज्म में क्या होता है कि मतलब आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आप उसी के बेस पे मतलब डिसीजन ले लेते हो, मतलब अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है ना वो इनसुफिशियंट है और आप उसी के बेस पे इन्फॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन ले रहे हो, आप ना कोई सर्च कर रहे आप ना मतलब हेजिटेट हो रहे हो मतलब डाटा वगैरह कलेक्ट करने में, आप सोच रहे हो कौन इतना टाइम खराब करेगा, थोड़े तो पैसों की बात है कर लेता हूँ इन्वेस्ट, तो जो डिसीजन है ना वो सिर्फ ऐसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे ले लेते हो कंजर्वेटिज्म में जो ईजिली अवेलेबल है, आप ज़्यादा ट्राई नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर आप रिसेंट इन्फॉर्मेशन क्योंकि वो अभी न्यू है तो करंट में है तो आप उसको लेके प्रेफरेंस, रूल ऑफ थंब वगैरह को प्रेफरेंस देते हो, तो ये कंजर्वेटिज्म में आ जाता है। फिर आता है रीग्रेट अवर्जन। देखो कई बार ये नहीं हो जाता कि कोई गलती होगी हमसे तो हम सोचते हैं कि भाई अब तो मैं इसको सुधारूंगा, या मतलब हमें किसी बिजनेस से लॉस हो गया तो अब आप ये कहते हो भाई मैं ई बिजनेस तक प्रॉफिट करके दिखाऊंगा, तो ये जो होता नहीं ये रीग्रेट अवर्जन कहलाता है। लेकिन ये मतलब रीग्रेट अवर्जन को हिंदी मतलब एक भूल को सही करने के लिए आप भूल पे भूल करते जाते हो, ठीक है। तो क्या कहता है कि जो कहता है कि रिग्रेट इज द इमोशन इंडिविजुअल फीलिंग दे कैन ईजली इमेजिन हैविंग एक्टेड इन ए वे दैट वुड लेड टू मोर फेवरेबल आउटकम। देखो इसमें ये बता रखा है लगा लो कल शेयर के प्राइस गिर गए और आप किसी सिचुएशन के कारण नहीं उसका फ़ायदा उठा पाए, तो आपने सोचा कल फायदा नहीं लिया तो क्या हुआ, आज फ़ायदा ज़रूर ले लूँगा, लेकिन क्या पता आज फेवरेबल सिचुएशन ना हो और आप एक भूल को सुधारने के चक्कर में दूसरी भूल कर दो, आपको लॉस हो जाए, तो ये रिग्रेट एवर्जन की सिचुएशन कहलाती है। फिर आती है हमारी एनचोरिंग एंड एडजस्टमेंट। ये क्या होता है देखो इसमें ये होता है कि मतलब हमारी देखो एक एग्जांपल देते हैं, हम मैच वगैरह देखते हैं तो हमारी ये थिंकिंग नहीं होती है भाई भाई तू इस कमरे से दूर रही हो तू आता है तब भी इंडिया हार जाती है, हम ये अजम्पशन लगा या मैं उठ गया तो चली जाएगी या रिमोट मेरे हाथ में नहीं रहा तो आ जाएगी, ये हमारी थिंकिंग होती है क्योंकि एक दो बार ये चीज़ें प्रूव हो गई होंगी तो हमने बस उसी को ही अपने बिलीव वगैरह बना लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये सब एक टाइप से कहते हो टोटके वगैरह मान लिया या लगा लेते हैं जुगाड़ की ये चीज़ें होएंगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो कहते हैं कि इसमें क्या दे रखा है, इट इज़ वेल नोन दैट व्हेन पीपल आर आस्क्ड टू फॉर्म ए क्वांटिटेटिव असेसमेंट देयर व्यूज कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सजेशंस व्हेन फेस्ड विद अनसर्टेनिटी पीपल विद गैस एट स्ट्रो इन ऑर्डर टू फाइंड। देखो वही है, किसी कोई गड़बड़ हो जाए तो हम उसी को बिलीव मांग लेते हैं, हाँ इसी के कारण कुछ गड़बड़ हुई है, इसी का कारण मैं आ रहा हूँ, इसी के कारण भाई मेरे शेयर गए हैं, तो ऐसे ही इन्वेस्टर्स हैं अपने बिहेव बना लेते हैं कि भाई अगर मैंने इसमें शेयर में पैसे नहीं लगाए तो क्या पता मैं दूसरे शेयर से भी हार जाऊँ, इस टाइप से ये सब। अवर्जन टू एम्बिग्यूटी एंड फैमिलियरिटी बायस भी बोल। देखो नॉर्मल सी बात है, जो वर्ड हमने सुने हैं या जिन शेयर के बारे में हम फैमिलियर हो उनसे उनमें तो हम इंटरेस्ट ले लेते हैं, हम उनमें इन्वेस्ट करना, लेकिन ऐसा कोई शेयर हो ऐसा कोई स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई कंपनी हो जिसके बारे में आप अभी तक नहीं सुनो लेकिन वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही हो तो भी आप उसमें इन्वेस्ट करने से डरते हो, लेकिन कोई ऐसी कंपनी है जिसके बारे में आपने नाम वगैरह टीवी वगैरह में कभी सुन लिया लेकिन आपने उसकी सिचुएशन को तो एनालाइज नहीं किया कि वो कैसी है और आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो इसके कारण भी क्या हो जाता है रिस्क वगैरह आ जाता है, ठीक है। फिर इसने कुछ अदरवाइज नहीं, जैसे इन्यूमरेसी है तो इसमें क्या दे रखा है, इन्यूमरेसी रेफर करता है कि पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं, नॉमिनल चेंज हुआ है या रियल चेंज हुआ है इसके बीच में उन्हें डिफरेंस नहीं पता। अफेक्ट का मतलब होता है ये हिरिस्टिक कंसर्न, मतलब जैसे भाई गुडनेस बैडनेस किसी के बारे में हम अपने अच्छे व्यू बना लेते हैं, मतलब हमारी थिंकिंग अच्छी वाली होती है किसी बारे में बैड वाली होती है, तो इसके कारण भी हमारे वही है एक स्टॉक मार्केट एक कंपनी के बारे में हमारा अच्छा बिहेव एक के बारे में बुरा है तो भी हमारे इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होती है। स्टेटस क्यू मतलब होता है स्टेटस क्यू को अगर बोले तो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ है मतलब आज प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है उसके बेस पे देखते हैं। और सेल्फ कंट्रोल होता है मतलब आप कितना कंट्रोल कर सकते हो, जैसे भाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अगर आपने अपने एक्शंस है उनको एनालाइज नहीं किया उनको कंट्रोल नहीं किया तो वो भी तो डिपेंड करता है, तो इसमें डिविडेंड हम ये देख लेते हैं भाई कहाँ से कितना ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है वो सब। मनी इल्यूजन और कोई पैसा वगैरह चाहता है तो ये भी अफेक्ट करता है और बिहेवियर पोर्टफोलियो। तो ये हमारा था मतलब पहला पार्ट इसका और नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।